हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी के रिलीज डेट के बारे में। तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी ली होगी जिसमें बताया जाता होगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी रिलीज होने वाला है इस डेट को वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में मैं आपको कन्फर्म रिलीज डेट के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो से बने रहे। तो फ्रेंड, बात करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी के लंबे इंतजार के बारे में। तो कॉल ऑफ ड्यूटी के ऊपर बहुत सारी ऐसे यूट्यूब पे बहुत वीडियो बनी है और उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, मिलियंस ऑफ क्रोस किए हैं व्यूज़। तो इससे साफ होता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी लोगों में अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है मेरे हिसाब से लगता है, क्योंकि यूट्यूब के व्यूज़ को देख के और सर्चेस को देख के मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ फ्रेंड। तो बात करते हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी जो 2003 का, इसके काफ़ी सारे वर्जन रिलीज किए गए थे। जो सबसे ज़्यादा फेमस ये तब हुआ जब टेंसेंट वालों ने अनाउंस किया था कि हम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वर्जन बना रहे हैं, तब से ये बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गया था। और इसके कुछ ट्रेलर भी निकले थे और बीटा वर्जन में भी ये निकला था, तो काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया। पर जो इंडियन लोग हैं उसे खेल नहीं पाए, क्योंकि जो कॉल ऑफ ड्यूटी बीटा वर्जन है वो ऑस्ट्रेलिया में रिलीज़ किया गया था, जिसके कारण जो इंडियन है वो इसका खेल नहीं पाते थे। लेकिन फाइनली कॉल ऑफ ड्यूटी ने जो 18 तारीख को है उन्होंने रिलीज़ किया था अपने ट्विटर और फेसबुक पोस्ट पे कि अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फ्रेंड। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी तक आपने कॉल ऑफ ड्यूटी को प्री रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसकी वेबसाइट पे जाके ईमेल से कर सकते हैं, या फिर गूगल गूगल प्ले स्टोर पे आप सीधा प्री रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, एक बार प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले रिलीज डेट के बारे में बताऊंगा, तो कॉल ऑफ ड्यूटी जो ऑफिशियल है उसके ही वेबसाइट पे जाके अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने ब्लॉग लिखा है कि कब ये रिलीज होगा, तो इन्होंने बताया कि मंथ विद इन अ मंथ इसको हम रिलीज करने वाला है, यानी कि अप्रैल पूरे महीने ये किसी भी टाइम रिलीज हो सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो कॉल ऑफ ड्यूटी जो प्री रजिस्ट्रेशन है और जो बाकी गेम है जो प्री रजिस्ट्रेशन में रखती हैं, गूगल प्ले स्टेशन के ये रूल है कि कोई भी गेम प्री रजिस्ट्रेशन अंडर 1 मंथ से ज़्यादा प्री रजिस्ट्रेशन नहीं रख सकती, उनको 1 मंथ के अंदर अंदर रिलीज करना ही होगा फ्रेंड। तो ये गूगल प्ले स्टोर का रूल है जिसको कॉल ऑफ ड्यूटी फॉलो करेगा मुझे ये लगता है, अगर नहीं फॉलो करेगा तो कॉल ऑफ ड्यूटी को हटा दिया जाएगा गूगल प्ले स्टोर से। तो देख लेते हैं कि इस महीने की किस तारीख को ये रिलीज होता है, हमें इस महीने का वेट करना पड़ेगा फ्रेंड। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी का जो कि चाइनीज वर्जन में लॉन्च हो चुका है, तो इससे साफ होता है कि ये ग्लोबली लॉन्च होने वाला है फ्रेंड।